आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक ऊर्जा में। आज हम बात करेंगे यहाँ पर 23 नवंबर के राशिफल के बारे में। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप 2020 के लिए अपने राशिफल को जानना चाहते हैं अंक शास्त्र के माध्यम से, तो यहाँ पर इस चैनल पर वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपका मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 इनमें से कुछ भी हो, आप अलग अलग वीडियोज पर जाकर अपने मूलांक के मुताबिक देख सकते हैं कि आपका 2020 का साल कैसा जाएगा। चलिए बात करते हैं 23 नवंबर के राशिफल की। आज हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले पंचांग की। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी इस दिन और नक्षत्र जो है वो हस्त नक्षत्र रहेगा 2:45 बजे तक। उसके बाद चित्रा नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी। इस दिन जो राहुकाल का समय है, जिस समय पर आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए, हर काम को अवॉइड करना चाहिए, वो समय रहेगा सुबह 9:28 से लेकर 10:48 तक का समय। इस समय को आप अवॉइड करें, कोई भी अच्छा काम ना करें। अब हम बात करते हैं ऑस्पिशियस टाइम की, यानी कि बहुत अच्छे मुहूर्त की, जिसे अभिजीत मुहूर्त बोला जाता है। ये समय रहेगा सुबह 12:45 से 12:28 तक का समय। ये समय बहुत शुभ है, आप कोई भी अपना शुभ कार्य कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है और अलग से कोई मुहूर्त देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इस दिन जो दिशाशूल रहेगा वो पूर्व दिशा की तरफ रहेगा। आप लोगों को पूर्व दिशा की यात्रा अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में आप लोगों को तिल खाकर घर से बाहर निकलना चाहिए। आप थोड़े से सफ़ेद तिल या काले तिल मुंह में डाल लें, उसके बाद आप बाहर निकलें। ऐसा करने से दिशाशूल के प्रभाव से आपका बचाव होगा और आपकी यात्रा सुखमय होगी। चलिए अब बात करते हैं राशिफल की। यहाँ पर आज हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए किस प्रकार का रहेगा 23 नवंबर का दिन, चलिए जानते हैं। आप लोगों के लिए ये दिन काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। ऐसे में चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में है, दूसरे भाव में चंद्रमा आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। धन से संबंधित मामलों में आपकी विजय होगी, धन से संबंधित मामलों में कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। घर में आपके किसी मेहमान का आना हो सकता है, वो मेहमान आपके लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आ सकता है। कोई सेलिब्रेशन की न्यूज़ आ सकती है, कोई घर में कोई ऐसा काम हो सकता है जिससे आपको खुशी का अनुभव होगा। तो दिन आप लोगों के लिए बहुत बेहतर जाने वाला है। यहाँ पर एक बात और है, जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं वो इस समय पर बड़े फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि होने के कारण चंद्रमा की ये स्थिति बहुत ही अच्छी बनेगी। आप लोग रिसर्च के कामों में अपना नाम कमा सकते हैं। जो बच्चे पहले से ही रिसर्च के फील्ड्स में हैं वो अच्छा काम कर सकते हैं। ये समय नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का रहने वाला है 2:45 बजे तक। उसके बाद मंगल के नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी। दोनों ही नक्षत्र आपके लिए बहुत लाभकारी हैं, क्योंकि आपके मित्र ग्रहों के नक्षत्र हैं। तो ऐसे में दिन आप लोगों के लिए उम्दा जाने की उम्मीद है। आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस दिन परिवार के साथ भी अगर आप समय बिताते हैं तो ये समय आप लोगों के लिए यादगार होगा। आप लोगों के लिए ये समय काफी ज्यादा अच्छा साबित होगा। परिवार के लोगों में सौहार्द, प्यार और अपनेपन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। ये समय जो है अपने लिए समय निकालने का नहीं है, आप लोगों को आज अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मसला चल रहा है, कोई ऐसा मामला चल रहा है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था और आपको रिजल्ट आने की उम्मीद है कल के दिन, तो आपके हक में हो सकता है वो फैसला। ये दिन आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा अगर आप इस दिन एक छोटा सा उपाय करते हैं। आप लोग हनुमान मंदिर में सुबह सुबह चले जाएं और उसके बाद हनुमान जी के आगे आप एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और अपनी विश मांगे। जो भी आप भगवान से मांगना चाहते हैं सुबह सुबह मांग लें, देखिएगा आपकी विश ज़रूर पूरी होगी और आपका दिन बहुत उत्तम तरीके से जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से ये था सिंह राशि का राशिफल 23 नवंबर के लिए। आने वाली वीडियोस में अगली राशियों की बात करेंगे, अगले समय की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।